Good morning, dear students. Today we are going to start our unit 10, which name is the Supremo. So, who is the Supremo? Let's see. We will start activity 1. Study the shadows and mention the time for the of the day. तो यहाँ पर आपको जो है 4 times दिए हुए हैं और 4 shadows दी हुई हैं. तो आपको जो है shadow को पहचान करके ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम राइट डाउन करना है. तो सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में. और सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में. ठीक है, तो सबसे पहले शेडो नंबर जो बी है उसको देखते हैं. जब सनराइज होता है तो जो भी चीज़ होती है, जो भी थिंग होती है, उसकी जो शेडो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है. देखिए, सन ईस्ट में होगा तो उसका शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और ट्री से बड़ा बनेगा. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा. अब जैसे जैसे आफ्टरनून का टाइम आएगा, यानी कि 12 बजने को आएंगे, तो शेडो का डायरेक्शन तो वही रहेगा लेकिन उसका साइज छोटा होता चला जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा 10 AM. ठीक है, क्योंकि ये भी आफ्टरनून से पहले का टाइम है तो यहाँ पर 10 AM हो गया. अब जैसे जैसे 10 से बढ़ेगा टाइम, आफ्टरनून की ओर जाएगा, और जैसे ही 12 बजेंगे तो उस टाइम पर जो शेडो है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है. ठीक है, और जब सन सेट की ओर, सनसेट यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आता है, तो जो उसकी शेडो होती है वो पहले छोटी होती है. तो ये जो ए वाला शेडो है इसमें हम लिखेंगे 2:15 PM. ठीक है, ये आफ्टरनून के बाद वाला टाइम है. इसके बाद में जैसे जैसे सनसेट का टाइम नीचे बढ़ता जाता है, यानी कि शाम का, इवनिंग का टाइम होता जाता है, तो शेडो जो है वो बड़ी होती जाती है. ठीक है, अब जो है सनसेट इधर हो गया है ना, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसकी शेडो इधर बनेगी और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, जस्ट इसकी अपोजिट. तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके चारों जो शेडो थी उनके नेम, जो टाइम है वो लिखे. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, मेक अ चार्ट ऑफ योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग्स हैं और आप दिए हुए टाइम पर क्या क्या काम करते हो वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं. आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से कंप्लीट करने हैं. 6 AM गेट अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव माई बाथ. 9 AM हैव माई ब्रेकफास्ट एंड डू माई होमवर्क. 1 PM हैव माई लंच. 5 PM गो टू प्ले. 7 PM हैव माई डिनर एंड देन वॉच TV. एंड 10 PM गो टू स्लीप. तो ये आपका होल डे का शेड्यूल हो गया. अब चलते हैं एक्टिविटी 3 पर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. When the great sun comes up at dawn, he is the king of the sky. He says to the stars, get out of my sight, be gone. And the moon turns perfectly white in the powerful light. Then he climbs the sky to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright. एंड रेन्स अलोन. तो इस स्टेंजा का मीनिंग है कि जब सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग, टोनी मीन्स अर्ली मॉर्निंग, तो वो जो है स्काई का किंग होता है, राजा होता है. कौन? सन. और वो स्टार्स को क्या कहता है? गेट आउट ऑफ माई साइट, तुम यहाँ से चले जाओ. बी गॉन मीन्स गो अवे. एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट. और जो मून है वो किस में चेंज हो जाता है? वाइट में. वो कैसा दिखाई देता है? एकदम वाइट दिखाई देता है. इन द पावरफुल लाइट, सन की जो लाइट होती है उसमें वो एकदम वाइट दिखाई देता है. और जब नून का टाइम होता है, यानी कि आफ्टरनून जब होती है, तो जो सन होता है वो आसमान में एकदम टॉप पर होता है. ठीक है, और उस समय वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, उसकी जो रोशनी होती है बहुत तेज़ होती है. ठीक है, और तब वो अपने सिंहासन पर बैठता है. थ्रोन मीन्स सिंहासन. ठीक है, क्योंकि वो टाइम पर वो जो है स्काई का किंग है. ठीक है, एंड रेन्स अलोन, और अकेले ही रूल करता है, शासन करता है. रेन्स मीन्स रूल, यानी कि शासन करना. बट व्हेन ही डिसेंड इन द आफ्टरनून, द शेडोज ग्रो लॉन्ग एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वेन. एंड व्हेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली
way at the end of the day he ceases to rain the darkness falls the stars come out and night returns the to the world again तो इस स्टेंजा का मीनिंग है लेकिन जैसे ही आफ्टरनून होती है तो वो जो है उसकी जो चमक होती है वो कम होने लगती है ठीक है और जो शेडोज़ होती हैं वो लंबी होने लगती हैं जो शेडोज़ हैं वो लंबी हो जाती हैं एंड पावर बिगिंस टू एवन वेन और सन की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है फेड होने लगती है यानी कि सन जो है अपनी पावर को लॉस करता है टू एब एंड वेन यानी टू लॉस पावर और टू फेड और जैसे ही आफ्टरनून के बाद का टाइम होता है और जब दिन ख़त्म होने वाला होता है तो वो जो है अपना जो उसका शासन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है सीजेस यानी स्टॉप ख़त्म हो जाता है रीन यानी रूल द डार्कनेस फॉल्स और धीरे धीरे क्या होने लगता है अंधेरा होने लगता है डार्कनेस यानी अंधेरा होने लगता है द स्टार्स कम आउट और जो स्टार्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन और जो है वर्ल्ड में फिर से नाइट हो जाती है ठीक है यानी कि रात हो जाती है तो इस पोएम से हमने क्या सीखा हु इज द सुप्रीमो सो द आंसर इज सन इज द सुप्रीमो द पोएम इज रिटन बाय मैरी ब्रिटन मिलर तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू